अगर आप चाहते हैं दुनिया को अपना मैसेज देना और चाहते हैं कि आपके मैसेज से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके, तो जुड़िए समीना और गोल के साथ बातों ही बातों में, जिसमें होंगी कुछ खट्टी कुछ मीठी, कुछ मजा और कुछ मस्ती और बहुत कुछ। तो बनिए लोगों की आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। देखना ना भूलिए हर जुमेरात की रात 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी के डिफरेंट पर्सनैलिटी से करवाएं और उनसे कुछ सीखें और सिखाएं। जी समीना, तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आज की बात से। गुल, आज की बात में मैं ये कहूँगी कि मौसम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है और लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं। इस दफ़ा जो है हमने ये देखा है, नोट किया मैंने खासतौर पे, कि लोगों ने पिछली जून जो थी ज़रा लोगों की ड्राई थी, लोगों को पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इस साल जो है जैसे कि हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा, ठंडा ठंडा, अब मई की एंड जो है वो भी इतनी गर्मी आई नहीं है, लेकिन खुला बड़ा अच्छा मौसम है, शाम में ठंडा भी बहुत हो जाता है। और आप देखोगे गुल के लोगों ने अपने बैकयार्ड्स को इस दफ़ा बड़ा सजाया, लोगों ने जो है वो पूल्स ले लिए हैं काफ़ी सारे, और बच्चों के लिए पोर्टेबल पूल्स भी हैं, बच्चों के लिए उन्होंने लैडर्स वगैरह भी, स्विंग्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, और दूसरा यह है बारबेक्यू का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। जाहिर बात है जिस तरीके से आपको पता है ना कि कोविड में बाहर नहीं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं, तो और बहुत से लोगों अभी जो है ना काफ़ी लोगों को वैक्सीन भी लग गई है, तो बड़ा इजी फील कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल लोगों का कम हुआ है। असल में आप क्या कहती हैं? जी समीना, जैसे लास्ट ईयर वो सारा उनको एक एक्सपीरियंस हो गया ना, अब जैसे कि थोड़े बहुत यूज्ड टू भी हो गए हैं, लेकिन ये है कि अब जैसा कि जो लिमिट्स हैं कि हमें गैदरिंग्स की, तो एटलीस्ट जो है बेहतर से बेहतर माहौल हम अपने घर में तो बना सकते हैं। फैमिली का तो बिल्कुल हो गया कि फैमिली के साथ लोग मिल रहे हैं, लोगों को मज़ा भी आ रहा है। मैं तो ये डर रही हूँ कि आदत ना बिगड़ जाए लोगों की, कि भाई घर में काम नहीं है, घर में ही बैठे रहो। लेकिन नहीं बिना इसी तरह से मैं भी ये नोट कर रही हूँ कि घरों पर ज्यादा तवज्जो और टाइम जो है वो ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली के ज्यादा टाइमिंग, और ये जैसे बजाय इसके कि जब हम लोग बाहर जाने की सोच रहे होते हैं, एटलीस्ट घर के अंदर ही बात भी। हाँ, और फैमिली अब देखो ना, ज्यादातर मसला जो है ना बच्चों के साथ है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें मसला है, राइट, भागना है, इधर जाना है उधर जाना है, पार्क में ले गए, पिकनिक पे चले गए, अब घर में ही बैठ के पिकनिक होती है। मोस्टली जिनके घर हैं, जिनके बैकयार्ड्स हैं, दे आर एंजॉयिंग इट, बहुत उनको even मजा आ रहा है। मीना बिल्कुल ठीक है, इवन मैंने देखा कि लोगों ने बालकनी को भी डेकोरेट किया हुआ है मोर फ्लावर्स, और फिर उसके बाद वो सारी वो रखकर चेयर्स वगैरह, तो क्योंकि देखिए ना जितना कर सकते हैं ऐसा माहौल बनाए, अदरवाइज बच्चे बेचारे क्या करेंगे। क्या बच्चे भी हैं, फिर घरों में से लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनको भी तो स्ट्रेस फ्री होना है ना थोड़ा। खैर अल्लाह करे सब जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभी डर लगता है लोगों की आदत बिगड़ जाएगी क्या होगा, राइट। नहीं चले हम तो फिर, आज मेरा तो टॉपिक हो गया, अब आप अपना टॉपिक बताएं, आज आप क्या बताना चाह रही हैं? जी मीना, आज मैं कहूँगी जैसे कि हम हर प्रोग्राम में कोई ना कोई अपना हेयर से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, किसी ना किसी कोई टिप दे रहे होते हैं, या कोई प्रॉब्लम जो है उनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें ना बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, और आपने भी नोट किया होगा बल्कि हम आपस में भी बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों के पीछे जो जैसे हेयर लॉस हो गया या कुछ ऐसी, इन जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था वो स्किन का, तो उन्होंने भी यही बोला था कि स्किन वगैरह भी जो है ना पीछे सब कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है, मतलब ना हम लोग डाइट ठीक नहीं ले रहे होते, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो वैसी नहीं है, होता सब कुछ है घर में मौजूद, ठीक है, लेकिन हमारी वो ईटिंग हैबिट्स एंड जो हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ किस वजह से कितनी लेनी है, तो ये मैं देखती हूँ कि जो भी हो जितना ज़रूरी हमारी लाइफ में डॉक्टर है ना, उतना ही ज़रूरी हमारी लाइफ में मुझे लगता है डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ज़रूरी हैं। अगर हम किसी ना किसी अपने उनके साथ लिंक रखें और रेगुलर, इवन रेगुलर डाइट, और अगर कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, लाइक अगर लोग मतलब कंप्लेन करते हैं हेयर लॉस की या स्किन की कोई करते हैं, तो हम एटलीस्ट अपनी
न्यूट्रिशनिस्ट से ये ज़रूर कॉन्टैक्ट करके करें कि भाई कहाँ पे कमी हो रही है और कैसे हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। नहीं, और दूसरा ये भी होता है ना कुल, जैसे आपने एक दफ़ा कहा था कि भाई लड़कियों में हारमोन्स की चेंजेस होती हैं तो उनको पता नहीं होता उनको क्या डाइट करना होता है, इस तरीके से लड़कों में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन या डाइटिशन जो भी है या डॉक्टर जो भी है सिर्फ फीमेल्स के लिए या फिर सिर्फ मेल्स के लिए, तो मीन्स दोनों को हमें साथ में, हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, हम जो भी बताते हैं, हमारा यही होता है कि हम लोग हमारी ऑडियंस को एजुकेट करें, क्योंकि हमारे ऑडियंस के लिए हमको ये होता है कि हम एक अच्छे से अच्छे लोग ले आएँ, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि हम अच्छे अच्छे लोगों को बुला के इन्हें बताएं कि भाई इनकी अगर कोई मसले हैं तो उसको हल करें। जिस तरह से हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमें लोग पूछते हैं और जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसमें मुझे भी ऐसे लग रहा है कि हमें ज़रूर किसी ना किसी डाइटिशन न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर हमें मतलब अपने व्यूवर्स को मिलवाना चाहिए। और ज़रूर मिलवाएंगे, बल्कि हम आज ही मिलाएंगे। तो नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद अपने मेहमान के साथ, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ओंटारियो का कोविड-19 प्लान फैलाव को रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद फराहम कर रहा है। जब तक हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, मास्क पहनें, अपने हाथ धोएं और फासला रखें। हम अब तक इकट्ठे चलते रहे हैं और पूरे ओंटारियो में रोजाना हजारों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपकी बारी जल्द आने वाली है। ओंटारियो के वैक्सीन प्लान के बारे में मजीद जाने अदायगी शुदा मिन जानिब हुकूमतें ओंटारियो। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिल्वर। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, आल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेशको। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 514-6630-480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। ₹2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मन पसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें, जल्दी करें। आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें, आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 6477030218। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग आपके साथ बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की और डाइटिशन की, और क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोग्राम हमारे हुए हैं जिसमें हमने एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टॉपिक यही होता था कि भाई कोई न्यूट्रिशन या डाइटिशन का मसला होता है हर वक्त। तो आज हमने सोचा कि चले हम अपने स्टूडियो में एक डाइटिशन को ले आएँ, एक न्यूट्रिशन को ले आएँ, जो आपके लिए कुछ आपको कुछ मज़ीद मुफीद मालूम देंगी। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरीदा, और फरीदा जो हैं वो एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, शी इज़ अ डाइटिशियन, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत कुछ भी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं इन्हें ही। शी इज़ अ वन ऑफ द फेमस, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी, बहुत से लोग उन्हें जानते हैं। और तो फरीदा, आई विल आस्क यू टू, आप खुद बता दो अपने बारे में कि आप कब स्टार्ट कर दो बेसिक से, कि व्हाट यू डिड, हाउ यू केम टू कनाडा, एंड बट वी विल जस्ट वांट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर। या श्योर। पहले तो थैंक यू सो मच समीना जी, थैंक यू सो मच गुलबा जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर। आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड, मैं अब आपका जब भी प्रोग्राम देखती थी तो सोचती थी एक दिन आप मुझे भी इनवाइट करोगे, एंड आज वो दिन आ गया। आई एम सो डिलाइटेड। नहीं, इससे के यकीन करो फरीदा, इट इज अ डिमांड, इट इज अ डिमांड, पीपल वांट टू नो अबाउट न्यूट्रिशंस। और जो भी हमारी ब्यूटिशियन से या जैसे कुल हैं, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप, जो भी आती हैं, एक्सरसाइज, जो भी, उसका मेन बात यही होती है न्यूट्रिशंस। खाना खाना सही खाओ, खाना सही खाओ, पानी ज्यादा पियो। तो एक प्रोफेशनल जब बताता है तो उसके फायदे ज्यादा होते हैं, राइट? तो अब आप हमें
में ये बताओ कि आप पहले अपने बारे में बताओ. ओके, माय नेम इज़ फरीदा. मैं उर्दू में बात कर रही हूँ. गुड. कनाडा में इंग्लिश की इतनी हैबिट से हो गई है, सॉरी. मेरा नाम फरीदा है, मैं बैक होम बॉम्बे से हूँ और कनाडा आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं. और बैक होम तो मैं, मेरा प्रोफेशन ऑफकोर्स न्यूट्रिशन से रिलेटेड इतना नहीं था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज अ ग्राउंड होस्टेस ऑन द एयरपोर्ट. एंड उसके बाद जब साइड में जैसे हेल्थ में शुरू से मुझे इंटरेस्ट रहा है, सो हेल्थ एंड ब्यूटी में आई शुड से, बिकॉज आई एम अ मेडिकल एस्थेटिशियन टू एंड हेयर स्टाइलिस्ट टू. गुलबाजी मुझे देख रही है, शी नोज वी आर फ्रॉम द सेम फील्ड ऑलमोस्ट. बट मुझे न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज आई लव टू हेल्प पीपल विद देयर हेल्थ. किसी को थोड़ा सा भी किडनी का पेन हो गया तो मैं दादी अम्मा बन जाती हूँ और यू नो राइट अवे नुस्खे दे देती हूँ. एंड इट्स गुड थिंग, यू नो, पीपल जैसे डॉक्टर को पीछे पड़ते हैं, जब कोई डॉक्टर को देखते हैं, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा मुंह दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, क्या ऐसे कोई न्यूट्रिशंस को देखता है तो वो 101% किसी भी महफिल में आप बैठे हो गए, दे विल आस्क यू कि भाई आप बताओ क्या, क्योंकि योर स्किन इज ग्लोइंग, यू लुक वेरी यंग एंड यू आर वेरी स्मार्ट ऑल्सो, राइट. तो आपको जब कोई देखता है कि ये न्यूट्रिशन इसका अच्छा है तो हमारा भी अच्छा करेगी, राइट. तो इस तरीके से बात होती है, राइट, ये चीज़ें होती हैं. तो अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, हमें पता चल गया आप इंडिया से हो, इसीलिए मैंने कहा ना नाज़रीन कि इंडिया पाकिस्तान दोनों कम्युनिटी, इंडियन और पाकिस्तानी दोनों कम्युनिटी में फरीदा को लोग जानते हैं एज ए न्यूट्रिशियस और भी बहुत सी चीज़ें ये करती हैं. तो अब मुझे आप ये बताओ कि बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, आई वॉन्ट आस्क यू टू मैनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. बेसिक ये कि वॉट इज अ न्यूट्रिशन एंड वॉट इज अ डाइटिशियन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डाइटिशियन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मोस्टली लोगों को ये गलतफहमी होती है कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन दोनों एक ही, वैसे देखने जाओ इट इज़ अ फैमिली, इट इज़ फ्रॉम द सेम फैमिली. लेकिन जो न्यूट्रिशनिस्ट है उसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए और होती है. जैसे विटामिंस समझ लीजिए, विटामिंस ए से जेड तक, किसी ने कभी लाइफ में विटामिन पी जैसे सुना नहीं होगा, विटामिन एफ कभी सुना नहीं होगा, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट को पता होगा. लेकिन एक डाइटिशियन का ऑफ कोर्स उससे सारी नॉलेज तो होनी चाहिए बिकॉज वो डिग्री होल्डर रहती है. जो डाइटिशियंस रहते हैं वो दे आर डिग्री होल्डर. लेकिन आप 2 ईयर्स का कोर्स करके भी डिप्लोमा न्यूट्रिशनिस्ट का कर सकते हो, लेकिन डाइटिशियन का यू हैव टू बी अ डिग्री होल्डर. सो दैट इज़ द डिफरेंस, एक एजुकेशन की लेवल की डिफरेंस है. और एक सेकेंड, यस, आपका मतलब है कि डाइट्रिशियन हैज़ टू स्टडी मोर. मोर, ओके, यस. एंड दैट इज़ वाई दे आर हायर्ड इन द हॉस्पिटल्स. ओके, यस. एंड यस, एंड सबसे ज़्यादा उनका जो काम रहता है वो सिर्फ डाइट पे ज़्यादातर गौर करती है. जैसे कि आपके और डाइट चार्ट बना देगी, जैसे स्पेशली उनका ज़्यादातर रोल रहता है वेट लॉस का. तो वेट लॉस के टाइम पे वो देखेगी कि भाई आपको डायग्नोज करेगी, क्योंकि हर किसी का मेटाबॉलिज्म सेम नहीं होता. तो पहले मेटाबॉलिज्म को वो डायग्नोज करते हैं, फिर उसके बाद वो डाइट चार्ट बनाती है, उसके बाद वो सप्लीमेंट्स पे आती है. बट एट द सेम टाइम सप्लीमेंट्स, जो न्यूट्रिशनिस्ट रहती है वो ज़्यादातर सप्लीमेंट्स के साथ डील करती है. जैसे मैं आपसे कह दूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे गुलबाजी है, शी इज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट, शी इज़ अ फैबुलस हेयर स्टाइलिस्ट, आई लव हर. ऑफकोर्स मैं उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ. सो हम काफ़ी इस चीज़ पे अक्सर गुफ्तगू करते हैं कि क्या चीज़ खाना चाहिए जिसकी वजह से, जैसे आप तो जानते हैं कि कनाडा में किसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं एकदम बहुत जैसे ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच कर रही हूँ कि हेयर फॉल इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन हियर, व्हाई. तो उसकी रीज़न कोई जानने की कोशिश नहीं करता थ्रू द न्यूट्रिशनिस्ट. लेकिन वो 10 टाइप के ऑयल ले आएंगे, 10 टाइप के शैम्पू ले आएंगे, लेकिन दे डोंट नो द रूट कॉज. द रूट कॉज इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, जो कभी किसी को पता नहीं रहता और कभी बताओ तो उनको यकीन भी नहीं आता, दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. ओके, आप देखिए कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में आपको विटामिन डी की कमी तो होनी ही है. हमें हार्डली सन नहीं मिलता, हार्डली हमें सन मिलता है और हम हार्डली सूरज को देखते हैं. तो विटामिन डी तो हमें प्योर फॉर्म में तो वहीं से मिलता है, और उसकी वजह से पहले तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू होता है. और दूसरी वजह है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन अवर वाटर. अब वाटर में क्लोरीन की वजह से वो भी एक न्यूट्रिशनिस्ट पता कर सकती है. तो वैसे देखने जाओ, आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता,
बस इतना है कि उनको हाई पेड अच्छी जॉब मिल जाती है राइट अवे बिकॉज दे आर डिग्री होल्डर सेम थिंग एंड दे प्लान द चार्ट द डाइट चार्ट फॉर द प्रैक्टिस कर रही हूँ न्यूट्रिशनिस्ट डिप्लोमा फ्रॉम 2001 एंड आई प्रैक्टिस सम टाइम इन इंडिया ऑल्सो बट दैट वॉज आउट ऑफ पैशन बट नाउ दैट आई हैव मेड माई प्रोफेशन आफ्टर कमिंग टू कनाडा क्योंकि कनाडा में तो आप चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो आपको स्क्रैच से शुरू करना है वही मैं जब भी बात करती हूँ लोगों से यही कहती हूँ दिस कंट्री इज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी ठीक है आप डॉक्टर इंजीनियर क्योंकि वहाँ तो हमारे दो तीन ही है ना प्रोफेशन डॉक्टर है इंजीनियर है लॉयर है टीचर है चार है राइट और यहाँ पर यू हैव जिलियन मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ऑप्शंस राइट तो इसलिए एक बात तो हमारे यहाँ पर हमेशा हमारा एक एक टॉपिक आ ही जाता है हर एक के साथ यही आ जाता है बिकॉज वी ऑल आर इमिग्रेंट्स राइट कि हम लोग जब भी इस मुल्क में आए हैं हमने बहुत से लोगों से इंटरव्यू किए कि भाई दिस कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी राइट तो अब आपने भी वो प्रोफेशन से आप बिल्कुल दूसरे प्रोफेशन पर आप आई हैं ठीक है अच्छा तो अब न्यूट्रिशन आप बता रहे हो कि भाई हेयर लॉस का न्यूट्रिशन से तो अब आप मुझे बताओ कि लोग क्या करें विटामिन डी खाली खाते रहे खाली तो नहीं खाते रहे लेकिन लेट मी टेल यू द रूट कॉज एंड रूट जो डेफिशिएंसी है वो विटामिन डी इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आप विटामिन डी खाना शुरू करोगे आप देखोगे कि आपके जो दूसरे विटामिन्स हैं जो दूसरे मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होना जल्दी शुरू हो जाते हैं और एक पते की मैं आपको बात बताना चाहूंगी अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं पते की ही बात बताऊंगी बिल्कुल नहीं थैंक यू आई वुड लव टू शेयर ऑल पते की बात विटामिन डी अक्सर हमें इतनी नॉलेज है सभी को इस बात की नॉलेज है कि जब आप विटामिन डी कैल्शियम के साथ लेते हो तो विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है ब्लड में लेकिन मुझे बताइए क्या आपको विटामिन डी सॉरी कैल्शियम क्या आपको ब्लड के लिए चाहिए बोन्स के लिए चाहिए एग्जैक्टली लेकिन बोन्स तक पहुंचता नहीं है अच्छा क्योंकि हमें एक चीज की नॉलेज की कमी है वो है विटामिन के टू के टू जो तो हमें से पहाड़ का पता है विटामिन के टू जो रहता है के भी रहता है के वन वो दैट इज टोटली डिफरेंट वो टिश्यूज पैदा करता है अगर आपको कट्स वगैरह हो जाए अच्छा। लेकिन हाँ लेकिन विटामिन के टू जो रहता है वो असली खेल खेलता है आपके कैल्शियम को ब्लड से बोन्स तक लेके जाने के लिए अच्छा। लेकिन जब लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं रहती है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अफरीदा क्वेश्चन ये होता है कि कैसे वही चीज मैं कह रही थी कि समीना से भी कि हम लोग किस तरह से अपनी ये अपनी डेली रूटीन में कैसे लेकर आए यस राइट तभी हम चाहते हैं कि अपने व्यूअर से कि मतलब अभी हम हमें मतलब जरूर कर लेना चाहिए अपना न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता लेकिन खैर अब बताओ के टू और के वन में क्या फर्क है ओके मैं एक छोटा सा एग्जांपल फटाफट बताती हूँ आपने सुना होगा डायबिटीज किसको नहीं पता लेकिन डायबिटीज क्या है ये हर किसी को नहीं पता डायबिटीज क्या होता है जब आपके बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन उसको ग्लूकोज को आपके ब्लड के अंदर डालने के लिए चाबी चाहिए मैं ले लैंग्वेज में बात कर रही हूँ कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रही एक ले लैंग्वेज में अगर आप समझे कि हमारा जो ब्लड सेल है वो एक घर है उस घर को एक्टिवेट करने के लिए ग्लूकोज चाहिए लेकिन ग्लूकोज को एंट्री करने के लिए इंसुलिन की चाबी चाहिए अब इंसुलिन की कमी पड़ गई तो ग्लूकोज कहाँ गया भटक गया अब ग्लूकोज जब भटक जाता है तो पानी की तरफ भागता है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा दो चीजें हैं जो पानी से भरपूर है वो है किडनी और हमारी आंखें अच्छा। इसलिए जो डायबिटिक रहते हैं उनकी आंखें और किडनी खराब हो जाती हैं क्योंकि ग्लूकोज वहां जाके उनको अफेक्ट कर रहा है तो वो खराब कर रहा है क्योंकि ग्लूकोज को जहां होना चाहिए वहां पे जा नहीं सकता इंसुलिन की कमी की वजह से क्योंकि इंसुलिन चाबी है इसी तरह से के टू भी एक चाबी है के टू कहाँ की चाबी है जैसे विटामिन डी कैल्शियम के लिए चाबी है ब्लड के अंदर जाने के लिए तो विटामिन डी ने कैल्शियम को तो ले लिया उसका काम हो गया खत्म अब कैल्शियम को बोन्स तक जाने के लिए जब आपने के टू नहीं दिया तो वो भटक गया तो अब कैल्शियम भी जाके कहाँ डिपॉजिट होता है किडनी में क्योंकि किडनी हमारे आउट करता है किडनी हमारे ब्लड को
फिल्टर करता है, तो ब्लड में ही घूम रहा है ना कैल्शियम, तो अगर ब्लड में कैल्शियम घूम रहा है तो घूमते घूमते वो किडनी में ही अटक जाएगा, तभी हमें किडनी स्टोन्स हो जाती है और हम सोचते हैं हमें किडनी स्टोन्स क्यों हो रही है, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन K2 नहीं ले रहे हैं जो बोन्स तक आपके कैल्शियम को लेके जाए। अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ, मैं भटक गई अब, ओ खुदा सॉरी। मतलब ये है कि कैल्शियम जो है, सपोज मैं एक दूध का ग्लास पीती हूँ, आई एम नॉट टेकिंग विटामिन डी, मैं सिर्फ दूध का ग्लास पीती हूँ, तो वो कहाँ जाएगा? वो आपके ब्लड में भटकेगा। अच्छा, क्योंकि आपने विटामिन डी भी नहीं लिया। हाँ? तो देखने जाओ तो वो आपके ब्लड के अंदर भी नहीं जा रहा। अच्छा, तो दूध पीना बेकार हो गया। हाँ, तो दूध पीना वो भी बेकार हो गया। अच्छा, तो विटामिन डी तो चाहिए ही चाहिए, राइट? अच्छा, लेकिन विटामिन डी के साथ अगर आपने दूध कैल्शियम को इस नजरिए से लिया है कि मुझे बोन्स तक पहुंचाना है, तो विटामिन D3 एंड K2 की कैप्सूल्स आती है, टैबलेट आती है। अच्छा, जो आपको हेल्दी प्लैनेट, गुड हेल्थ मार्ट, मेरे पास, कहीं पे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, उनके पास सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। सो यू मीन टू से कि खाली दूध पीना बेकार है? खाली दूध पीना इतना भी बेकार नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही हमें जरिए से मिलता है। हम खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, तो वी डू गेट, पर कम मात्रा में। अच्छा, जितना हमें, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कल को ये ऑब्जेक्शन आ जाए कि जो है ना इन्होंने तो कहा दूध ही ना पियो, राइट? तो मैं आपको पता नहीं, हम जो है नॉर्मल पब्लिक को बता रहे हैं, राइट? बट आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन आज के जमाने में मैं कई लोगों को तो डेयरी भी बंद कर रही हूँ। अच्छा, दूध क्या है? इट्स डेयरी, राइट? तो डेयरी भी बंद करवाना पड़ रहा है मुझे। अच्छा, फॉर द रीजन कि भाई दैट इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि आज जो जमाना आ गया है समीना जी, आज अगर आप आई शुड से 60 years मिनिमम, 100 years भी नहीं बोलूंगी वरना हम पेंडेमिक में पहुंच जाएंगे। हाँ। क्योंकि 100 years पहले भी पेंडेमिक था, 60 years पहले अगर आप जाएं, वो टाइम पे आपको ये विटामिन डी की कैप्सूल, विटामिन ABCD कोई कैप्सूल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर चीज जो हम खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, हमारा जो डाइट रहता था डेली, इतना प्योर रहता था, कोई मिलावट ही नहीं थी, ना फर्टिलाइजर की मिलावट, ना GMO की मिलावट। GMO तो सब जानते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो हमारे GMO से पूरा नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है। अच्छा, हर चीज में GMO। तो वो जमाना और था जब हमें ये सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं थी। आज जमाना ये हो गया है कि मैं जैसे सबको कहती हूँ, आई एम सेलिंग एस्ट्रोनॉट फूड, बिकॉज एस्ट्रोनॉट्स को हमें कोई टिफिन नहीं देना उसको रॉकेट पे जाने के लिए, लेकिन हम उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी नहीं दे सकते हैं बिकॉज दे आर GMO, बट दे नीड ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, तो फरीदा आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हो और आई एम रियली वेरी कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ सुनने के लिए, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपको तो जैसे आप जानते हो, आपको पता है कि वी हैव टू टेक ब्रेक, वी हैव स्पॉन्सर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो नाजरीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद और फिर कंटिन्यू करते हैं फरीदा के साथ मजीद। ऑन्टेरियो की COVID-19 टीकाकरण योजना फैलाव रोकने और जीवन बचाने में मदद कर रही है। जब तक हम सभी को टीका ना लगा दिया जाए, तब तक मास्क पहने, अपने हाथ धोते रहें और दूरी बनाए रखें। हम इतनी दूर तक एक साथ आए हैं और पूरे ऑन्टेरियो भर में हर एक दिन हजारों लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। आपकी बारी जल्द ही आ रही है। ऑन्टेरियो की टीकाकरण योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें, ऑन्टेरियो सरकार द्वारा भुगतान किया गया। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला TV चैनल, आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल है। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी TV चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज़, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ इंटरटेनमेंट के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आप सुन रहे थे, फरीदा जो है बहुत अच्छी बता रही थी हमें, K2 का भी बताया उन्होंने और हमें GMO का भी बता रही थी। तो मेरे ख्याल से जो है ये वो टॉपिक है कि जिसमें हम जो है ना जितना भी समझ लें हमारे लिए कम होगा, तो फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा बहुत आज आपको सामने बता दें, स्टार्ट कर दें, राइट बुल। और फिर जो है इसको अगर हमें मौका मिलेगा तो हम फरीदा के साथ एक दो सेशन और करेंगे ताकि लोगों को कंटिन्यूटी रहे और जो इंटरेस्ट आएगा उसका मज़ा ही दूसरा होगा। ठीक है, आई होप आप हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सको, बाद में भी ये ना हो कि हमें फिर दूसरी न्यूट्रिशन को ढूंढना पड़े, वो फिर बेसिक उधर से शुरू हो, फिर हम भटकना नहीं चाहते। भटकना तो अब आप मुझे बताओ, आप GMO को कह रही थी एस्ट्रोनॉट फूड, व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोनॉट फूड? यही इन शॉर्ट कि भाई एस्ट्रोनॉट अगर आप कोई खाएगा खाना वगैरह तो दाल चावल रोटी तो लेके नहीं जाएगा, वो कोई गोली से ही काम चलाएगा। अच्छा, सो गोली आज के ज़माने में जो हमें इन शॉर्ट मिलती है वो पूरा खाना इस तरह से देती है कि आपको तो खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। टू बी ऑनेस्ट, व्हाट न्यूट्रिशन आई प्रोवाइड टू माई क्लाइंट्स, माई पेशेंट्स, लाइक एनीथिंग फॉर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, cholesterol, asthma, thyroid, arthritis, cancer, means you practice this, everything. Basically you practice this. So for all the diseases, to be honest, wo jab medicines kha rahe hain, medicines ke side effects ho rahe hain, what I do, I help in the form of helping them combating the side effects. Side effects se protect bhi karwati hu jo unke medicines hai, aur jo medicines hai unse bahar unko nikalne ke liye न्यूट्रिशन पे पूरी तरह से डालती हूँ, सप्लीमेंट्स पे डालती हूँ जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो, ताकि उनके बॉडी को जो चाहिए, जैसे एस्ट्रोनॉट की बॉडी को जो चाहिए वैसे उनको बॉडी को वो मिलता रहे, ताकि धीरे धीरे उनकी बीमारी भी ठीक हो। बीमारी जब धीरे धीरे ठीक होती है तो डॉक्टर खुद ब खुद बोलता है यू डोंट नीड द मेडिसिन एनी मोर, एंड दैट इज माई मेन मोटो, दैट इज माई टारगेट, दैट्स व्हाट यू प्रैक्टिस। यस। अच्छा, मैं फिर से दोबारा आपसे पूछूंगी ये बात, मैं क्योंकि मैं भी इस एज में हूँ कि भाई मेरी भी हड्डियाँ आर्थराइटिस सीवियर आर्थराइटिस होता रहता है, तो मैं हर मुझे कहा जाता है दूध में शहद डाल के पियो, दूध में ये करके पियो, दूध में टर्मरिक पियो, टर्मरिक की मेडिसिन खाओ, तो आइदर दे आर हेल्पिंग मी और दे नॉट हेल्पिंग। जैसे बहुत से लोग हैं जो दूध में शहद आम पीते हैं, दूध में हल्दी आम पीते हैं, क्योंकि अब हम लोग भी इस मुल्क में जैसे आप कहते हो ना कि यहाँ का वेदर ऐसा विटामिन डी नहीं मिलता, राइट, तो हमारे जो है हेयर लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर हेयर लॉस के साथ साथ हड्डियों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यस, राइट। अब बोन्स का प्रॉब्लम जो है वो हर दूसरा आदमी का है, कोई का सीवियर आर्थराइटिस है, किसी का ऑस्टियोपोरोसिस, और लेडीज का तो कुछ ज़्यादा ही है, राइट। तो उसमें अब हमें यही कॉन्सेप्ट दिया जाता है आप दूध के साथ शहद पी लो, आप दूध के साथ हल्दी पी लो, अगर दूध कहीं जा नहीं रहा तो फिर पैक क्या करूं मैं मैंने शुरुआत में क्या कहा विटामिन डी, तो वी हैव टू टेक द टैबलेट्स विद द मिल्क, जरूरी नहीं, मैं कोई टैबलेट को तो प्रमोट नहीं कर रही हूं। टू बी ऑनेस्ट, विटामिन डी आपको यूट्यूब पे अगर आप डालें कि आपको विटामिन डी किस किस सोर्स से मिलते हैं, यू कैन गेट एम्पल ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम द यूट्यूब is everything. हमारे YouTube बाबा हो गए हैं जो हमें हर चीज देते हैं, बिल्कुल हर सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन मैं आपसे बात यहाँ एक चीज को वो करूंगी कि इससे देखो, जैसे तुमने पहले बोला कि हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट। अब YouTube में उसने मुझे बोल दिया गोभी खा लो, मेरी जब गोभी सूट नहीं करती मैं क्या करूँ, तो exactly. ये भी ये चीजें मैं इससे तो मैं वहाँ पे हूँ दैट इज माय रोल, इसके लिए मेरा रोल वहीं पे आता है कि मैं क्या करूँ, हाँ. तो फिर मैं कहती हूँ मैं हूँ ना तो इसीलिए मैं मतलब मैं यही हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम हर वक्त ये कहते हैं कि भाई इससे न्यूट्रिशन है, इससे ये कमी है सब। जैसे अभी मैंने बोला कि मैं दूध के साथ हल्दी खाती हूँ, तो इज इट ओके फॉर मी, इट इज परफेक्ट, ये बुजुर्गों का एक छोटा सा टिप डाल देना चाहती हूँ, क्योंकि टर्मरिक दो चीज करती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन जो रहता है हमारे बॉडी में, जैसे घुटनों में इन्फ्लामेशन रहता है, इन्फ्लामेशन की वजह से वो काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इन्फ्लामेशन इज द रूट वेयर पेन शुरू होता है। आपके पूरे बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, कहीं पे भी हल्दी जरूर लीजिए, डेफिनेटली वो इन्फ्लामेशन को कॉम्बैट करता है, लेकिन हल्दी के अंदर करक्यूमिन जो रहता है वो एक्चुअली असली काम करता है। अच्छा। और करक्यूमिन जो रहता है वो जब जल्दी से कभी भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, हजम नहीं होता, हाँ हजम नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं होता, उसका मॉलिक्यूल्स बहुत टफ रहता है। ओके। अब उसे ब्रेक डाउन करने के लिए टिप ये है कि हल्दी के साथ साथ कोई भी फैट सोल्यूबल, जैसे कि कोकोनट का घी, कोई भी असली घी,
ऑयल नहीं है, नॉट ऑयल, ओनली फैट, जैसे कि घी, कोई भी घी के साथ आप छोटा सा आधा टीस्पून, हाफ टी, मोटे नहीं हो जाओगे, मुझे पता है मैं कह रही हूँ हल्दी, पहले तो ये डर था कि दूध नहीं, और अब हल्दी के साथ एक और चीज डालनी है, राइट, जस्ट टू मेक इट प्रॉपर्ली। हमें दूध भी तो असली नहीं मिल रहा, नहीं, पहले के जमाने में फैट वाला दूध था, तो गाय बरसात होते थे, तो आपको मलाई के अंदर तो फैट मिल रहा है, तो वो काम हो जाता था पहले के जमाने में। आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आज तो इतने सारे परसेंट है, 0% वाले आ रहे, मतलब तो वो सारे स्किम मिल्क हो गए, मतलब उसमें फैट ही नहीं रहा, तो अब आपको डालना पड़ रहा है फैट, उसकी रीजन क्या है? This is a topic, right? These are the small things that a layman doesn't. मैं अपने आप को layman कहूँगी, मुझे नहीं पता, I'm not that educated. अभी मैं दूध के लिए डर गई कि भाई मैं पीऊंगी, नहीं जा रहा कहीं, अब चलो हल्दी पी रही हूँ तो ठीक है, अब हल्दी के साथ घी डालूंगी तो वो भी जल्दी हजम हो जाएगा। घी का असली काम है कि हल्दी को तोड़ना, अच्छा, तभी वो कर्क्यूमिन को जब एब्जॉर्ब करेगा तब आपके इंफ्लेमेशन में फर्क पड़ेगा, वरना फिर से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट दे गो वेरी लॉन्ग वे। तो एक बात आज हमने सीखी कि जो भी इंसान यहाँ पर हड्डियों का मरीज है उसको चाहिए कि वो हल्दी वाला दूध पिए और उसमें घी डाले, घी लेकिन हाफ टी स्पून, वन टी स्पून, एंड देन यू वांट देम टू हीट इट और व्हाट, या बॉइल करें, बॉइल जब करते हैं तो इट टेस्ट आल्सो वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा। और डू यू थिंक दैट इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी? मोस्टली इट इज गुड फॉर पीपल हु कैन, जिसको ये हजम होता है, डेरी हजम होता है, अच्छा, अगर डेरी हजम नहीं होता फिर भी हड्डियों में दर्द है तो खाली पानी में भी उबाल के आप हल्दी को पी सकते हो। देखा ना, तो ये फिर कैसे वो उसे पानी में, हल्दी, पानी में भी हल्दी को आप उबाल के पी सकते हो, उसमें लेकिन घी होना चाहिए, आधा टीस्पून, क्योंकि हमें हल्दी का काम करना है कर्क्यूमिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। दूध का तो सिर्फ कैल्शियम का काम है, तो दूध एक जरिया है, क्योंकि जा रहा है, लेकिन दूध और हल्दी का कोई लेना देना नहीं है। दूध एक्चुअली कैल्शियम है, तो हमें विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी के लिए हम हल्दी यूज कर रहे हैं ना, और विटामिन डी के लिए हल्दी यूज कर रहे हैं और हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन आई एम सॉरी टू कट यू, हल्दी इज नॉट विटामिन डी, सॉरी, ओके, देखा बिल गड़बड़ हो गई ना, हल्दी इज नॉट विटामिन डी, हल्दी इज फॉर इन्फ्लेमेशन। दूध एक जरिया है कि हम पी लें, लेकिन जिसको आपने कहा अगर दूध नहीं पीना, तो जिसको दूध हजम नहीं होता, तो वो उस चीज से वो वंचित ना रहे, वंचित इज अ हिंदी वर्ड, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, उससे कोई परेशान ना हो, क्या परेशान ना, तो वो हिसाब से पानी में भी बॉइल करके पी सकते हैं, बस थोड़ा सा घी हल्दी के साथ जाना जरूरी है। अच्छा, अब मैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम बहुत, हम इतनी डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम ऐसा निकल जाता है पता नहीं चलता, मुझे एक चीज और बता दो कि दूध में हल्दी के साथ अगर शहद डालें, इज इट गुड? श्योर डालें, लेकिन एक शर्त है, शहद को जिंदगी में कभी भी बॉयल ना करें। अच्छा, गरम में भले डाल दे, मिक्स कर दे, लेकिन कभी भी चूल्हे पे शहद को पकाए नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज मर जाएगी। देखो ये एक अच्छी बात बताई, नहीं शहद को जब मैं हल्दी गरम, मैं अपना, इसलिए मैं अपना, अच्छा, जनरली डाल दिया, हल्दी एक चम्मच डाल दी, आधी चम्मच डाल दी, आधी चम्मच टीस्पून आपने घी डाल दिया, ये भले बॉयल हो गया। अगर आप चाहो तो इसको उतारने के बाद एक और चीज बताना चाहूंगी, लोग सोचते हैं ओ हम इससे अच्छा शक्कर की जगह पे हम क्यों ना गुड़ यूज करें, गुड़ मतलब जौगरी, लेकिन वो भी गलत है, उसका भी साइड इफेक्ट होगा। गुड़ को कभी भी दूध के साथ ना मिक्स करना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। गुड़ को हमेशा दही के साथ खाना चाहिए। वाह, रे बाप रे बाप, मैंने तो कभी भी नहीं खाया ये। गुड़ को कभी भी दूध के साथ ना जाए, अच्छा। हमेशा गुड़ जौगरी दही के साथ जाए, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली जो हमें आज पता चला नाजरीन, वो ये है कि दूध के साथ अगर आप हल्दी ले रहे हो तो आप उसको गर्म कर सकते हो और बॉईल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा सा जब शहद डालना हो तो शहद को बॉईल मत करना, या तो दूध को बॉईल करके उतार लो और फिर मिक्स कर लो शहद, ठीक है। और मैं असल में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे टाइम का नहीं पता चलता, और मैं बहुत डिस्टर्ब करती हूँ अपने गेस्ट को भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो जो है ना अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको मिले। तो फरीदा आपका जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आई एम सॉरी गुल, आज आपको टाइम ही ना मिला पूछने का। इंटरेस्टिंग देखे बातें, इतनी इंफॉर्मेटिव, तो
तो हम जो है ना अब यहाँ पे रैप अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम फरीदा के साथ दूसरे भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आएँ आपके साथ। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ स्पेशली कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे रात को रात 8 बजे बातों ही बातों में। तो हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और गुल को, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं दुनिया को अपना मैसेज देना और चाहते हैं कि आपके मैसेज से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके तो जुड़िए समीना और गुल के साथ बातों ही बातों में, जिसमें होंगी कुछ खट्टी कुछ मीठी, कुछ मजा और कुछ मस्ती और बहुत कुछ। तो बनिए लोगों की आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट पर। देखना ना भूलिए हर जुमेरात की रात 8 बजे।